ये है सामने डोमिनोज जहाँ पिज्जे खाए हमने। फिर से मैं आ गया हूँ वहाँ पे बस स्टॉप के। बाकी इनकी एक अच्छाई ये है कि यार क्लीनिनेस देखो, साफ सफाई, फूल पौधे लगा रखे हैं हर जगह, गजब बना रखा है यार सिस्टम। तो ये एक चौराहा सा है यहाँ पे और ये साइकिल स्टैंड है। पता नहीं गिर कैसे गई ये साइकिल सारी। ये कार पार्किंग है पेंजन बस स्टैंड से इनके बिल्कुल पास में। फिर इधर सामने साइकिल स्टैंड है, ये सामने रेस्टोरेंट था सुलीवांस है कुछ, बिग ब्रेकफास्ट डाइनर करके। ये सिर्फ खुलता है 6 से 3 बजे तक, ठीक है। और अभी चलते हैं घर। यार यहाँ से निकल रहा था ना मैं, आगे घूमने जा रहा था। ये ट्रेन स्टेशन है इनका देखो, पेंजेंस में, और इस टाइप की ट्रेन रहती है इनकी। ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, नॉर्मल ट्रेन है। बट हाँ, शेप आजकल ऐसे डालते हैं ना कि थोड़ी फास्टेस्ट ट्रेन लगे। तो ये है इनकी यहाँ पे ट्रेन, नॉर्मल वाली ट्रेन जो रहती है। बट इसकी भी स्पीड अच्छी खासी है। यहाँ पे यूके में इनकी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर्स में 95 से 105 के आसपास में रहती है, तो ठीक ठाक है, इतनी स्लो भी नहीं है, ठीक है। 105-100 काफ़ी हो जाती है। और ये समुंदर है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है। ये पत्थर डले हुए जैसे अपने, शायद मैंने गया नहीं कभी गोवा या मुंबई में, सुना है कि सेम टाइप के पत्थर वगैरह डाल के रखते हैं। बड़ा भीड़ नहीं है यहाँ पे उतनी, खाली पड़ा है बिल्कुल। हाँ हो गई, तो वह अभी हम यहाँ बैठ लिए करीब आधा पौना घंटा बैठ लिए, 40-50 मिनट बस आने में है, अभी 20-30 मिनट और। बड़ा सुकून मिला है यार, शांति से बैठ के ना खुद को फील करना सबसे अच्छी चीज़ है, और घूमना सबसे बढ़िया चीज़ है। तो इन्होंने देखो कितना मेंटेन सा किया हुआ ना अच्छे से, ये रेलिंग लगाई है ताकि कोई इस तरफ ना जाए ना, इससे ट्रेन वाले रास्ते पे। यहाँ पे ये बढ़िया फुटपाथ बनाया हुआ है, फुटपाथ हर जगह मिलेंगे आपको ना, हर जगह फुटपाथ बना रखे इन्होंने पैदल चलने के लिए अच्छे। उस तरफ ये समंदर और फुटपाथ में ये बना रखा है डिवाइडर सा, ये भी अच्छा है। ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई कितनी, ये कार पार्क है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ भी खड़ी है। तो यार मैं आज का अपना बता देता हूँ ट्रिप कैसा क्या रहा। सुबह चले थे हम, मैं घर से निकला था 3:30 बजे सी, और 4:15 बजे मेरी बस थी वहाँ से, जो अपना कोच स्टेशन है प्लेमथ, वहाँ से बस ली हमने पेंजेन की, जिसके अप एंड डाउन का फेयर था, चार्जेस लगे 18 पाउंड के आसपास, ठीक है 18 पाउंड ही लगे मतलब एग्जैक्ट। ओपन रिटर्न करवाया था हमने, किसी टाइम की बस बुक कर ले, तो अभी 8 बजे की पहली बस है वो बुक करके चले जाएंगे। यहाँ आगे वो रिटर्न में था 18 पाउंड, यहाँ से हमने बस ली थी लैंसडाउन के लिए, जिसके 2 पाउंड जाने के 2 आने के लगे, 4। ये खुद सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था, 6-7 पाउंड का था वो ब्रेकफास्ट की, जो मैंने वीडियो रेस्टोरेंट की डाली है वो बिल्कुल पेंजेन बस स्टेशन पे ही था, उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट। वहाँ पे मैं कुछ थोड़ा खाने का लेके चला गया था और थोड़ा सा वहाँ पे खा लिया था, और आके यहाँ पे अब ये डिनर मान लो ऑलमोस्ट, या पिज़्ज़ा खा लिया डोमिनोज में, ये ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा के लगे 10 पाउंड के आसपास था, ये मीडियम साइज वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, और पेप्सी थी 2 पाउंड की, 1.5-2 पाउंड की। तो ये हो गया टोटल आपका 18 वहाँ से यहाँ के बस के पेंजन तक, पेंजन से वहाँ जाने की 22, लैंड डाउन 22, और खाने के सुबह 8-9 पाउंड सुबह, और 4-5-6 पाउंड हुआ 15 मान लो 15, और 10 ये मान लो 25,
25 ये और ट्रैवल हो गया 18 और 22, मतलब 50 पाउंड में आना जाना, खाना पीना पूरे दिन का हो गया, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मिला के। तो ठीक है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ट्रिप, क्योंकि सारा खाना पीना भी इंक्लूड है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा मिनैक थिएटर का जाऊँगा, काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, टिकट भी है 10-15-20 पाउंड की कुछ, तो वहाँ घूम के जरूर आएंगे। और आपको पेंजेंस में अगर और कुछ होगा, एक बीच हो रहा है वो और दिखाऊँगा, तो अभी के लिए बाय बाय। हमारी बस भी आने वाली है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या तो चलेंगे लंदन नेक्स्ट, या फिर यही पेंजेंस में आके मिलते हैं। सी यू।